हे गाइस, क्या हाल चाल है। सो मेरे चैनल पे यहाँ पे दो तरह की ऑडियंस है। एक तरह की ऑडियंस ये बोलती है कि प्लीज BSNL पोस्टपेड के ऊपर वीडियो बनाओ, एंड दूसरी तरह की ऑडियंस ये बोलती है कि क्या BSNL का पोस्टपेड कनेक्शन भी है। उन्हें पता ही नहीं है कि BSNL के पास अपना पोस्टपेड कनेक्शन है। सो ये वीडियो दोनों तरह की ऑडियंस के लिए काफी यूजफुल रहने वाली है। सो इस वीडियो में हम BSNL के पोस्टपेड प्लान को देखेंगे, एंड यस, BSNL के पास वन ऑफ द बेस्ट फैमिली पोस्टपेड प्लान है इंडिया में। सो आप इन प्लान को कंसिडर कर सकते हो। सो ये वीडियो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाली है, बिना किसी बकवास के हम यहाँ पे BSNL प्लान को डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं अच्छी फीड। सो गाइस, BSNL पोस्टपेड के प्लान को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे जो कॉमन चीजें हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, अगर आप कोई भी यहाँ पे BSNL का प्लान लेते हो तो आपको यहाँ पे पहली बार यहाँ पे 100 rupees की एक्टिवेशन चार्ज देना पड़ेगा, एंड आपको 500 rupees का यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ेगा। अब टेक्निकली जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो आपको वापस मिल जाता है जब आप कनेक्शन छोड़ते हो। तो अब यहाँ पे मैं BSNL में कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, बट हमने जब यहाँ पे अपना BSNL फाइबर कनेक्शन कट किया था तो हमें यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक हमें नहीं मिली है। काफ़ी साल हो गए उस बात को। तो आप एक तरह से मान के चलना कि जो 600 रुपये हैं ये आपका एक्टिवेशन चार्ज ही हैं। अब जितने भी हम यहाँ पे प्लान्स डिस्कस करेंगे उनमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं, उन्हें बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले, अनलिमिटेड कॉल्स देखने को मिल जाएंगे आपको, आपको 100 SMS पर डे देखने को मिल जाएंगे, एंड आपको इनकी जो वैलिडिटी है वो 30 days की होगी। आपको 30 days यहाँ पे बिलिंग साइकिल देखने के लिए मिल जाएगी। ये चीज़ आपको हर प्लान में सेम देखने को मिलेगी, एंड जैसे ही आपका डाटा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो आपको यहाँ पे BSNL चार्ज करने लग पड़ेगा। कितना चार्ज है, सपोज़ आपका 100 GB आपको मिला है, आपका 100 GB ख़त्म हो गया तो उसके बाद आपको यहाँ पे 10.24 rupees यहाँ पर GB देना पड़ेगा BSNL को, तब आप यहाँ पे इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें सारे प्लान में कॉमन है। सो अब इन चीज़ों को उठा के हम साइड में रखते हैं, अब डिस्कस करते हैं आज के प्लान्स। अब सबसे पहले जो यहाँ पे दो प्लान्स हैं वो यहाँ पे इंडिविजुअल प्लान है, उसमें आप फैमिली सिम नहीं ऐड कर सकते। अगर आपको फैमिली सिम ऐड करना है तो यहाँ पे आपको मिनिमम 525 rupees यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं अपने सबसे पहले प्लान की, जो कि आपका 199 rupees का। अब ये काफ़ी सस्ता प्लान है अगर हम इसे कंपेयर करें आपका एयरटेल एंड जियो से। वहाँ पर आपको जो मिनिमम प्लान है वो काफ़ी महंगा रहता है। BSNL में पोस्टपेड में एंट्री करना काफी आसान है। सो विद GST ये प्लान पड़ेगा आपको 235 rupees का। सो इसमें आपको 25 GB डाटा देखने के लिए मिल जाएगा, एंड आपको 75 GB डाटा रोलओवर देखने के लिए मिल जाएगा। अभी डाटा रोलओवर क्या होता है, सपोज जैसे इसमें आपको 25 GB डाटा देखने के लिए मिल रहा है, आप सपोज ये पूरा यूज नहीं करते हो, आपका कुछ डाटा बच जाता है, तो वो आपका डाटा नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ऐसे कर करके ये 75 GB यहाँ पे अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अगर 75 GB से ज्यादा डाटा हो जाता है कलेक्ट तो उसके ऊपर ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो ये मतलब होता है डाटा रोलओवर का। एंड BSNL पोस्टपेड की यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, BSNL पोस्टपेड में इस प्लान में आगे जो मैं प्लान डिस्कस करूंगा आपको किसी में भी कोई भी तरह का OTT बेनिफिट देखने नहीं मिलेगा, तो इस बात का आप ध्यान देना। अब नेक्स्ट प्लान की बात करते हैं जिसका नाम है घर वापसी प्लान। अभी आपको पड़ेगा 399 rupees का, विद GST ये प्लान पड़ेगा आपको 471 rupees का। एंड इस प्लान में डाटा आपको 70 GB देखने के लिए मिल जाएगा, एंड अगर हम डाटा रोलओवर की बात करें तो आपको 210 GB यहाँ पे डाटा रोलओवर देखने के लिए मिल सकता है। अब एक चीज मैंने इन प्लान्स में नोटिस करी कि जो डाटा रोलओवर है वो 3 times है आपको जो डाटा इसमें मिल रहा है। सो अगर आपको डाटा रोलओवर जानना है तो आप डायरेक्टली जितना आपको डाटा मिल रहा है उस आप 3 मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब ये दोनों प्लान तो थे BSNL के इंडिविजुअल प्लान्स, अब हम बात करेंगे BSNL के फैमिली प्लान्स, मतलब आपको इनमें एक्स्ट्रा फ्री में फैमिली सिम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला फैमिली प्लान है 525 rupees का, एंड विद GST ये प्लान पड़ेगा आपको 620 rupees का। इसमें आपको 85 GB डाटा मेन सिम में देखने को मिल जाएगा, एंड अगर हम डाटा रोलओवर की बात करें तो इसमें आपको 255 GB डाटा रोलओवर देखने में मिल जाएगा। सो इस प्लान में आपको एक फ्री में फैमिली सिम देखने में मिल रहा है, एंड उस फैमिली सिम में आपको अलग से 30 GB डाटा देखने में मिल जाएगा, एंड उसमें आपको 20 SMS पर डे देखने में मिलेंगे, एंड उसमें कॉल्स आपको अनलिमिटेड देखने में मिलेंगी। सो आपको इस प्लान में टोटल 115 GB डाटा देखने में मिल रहा है। नेक्स्ट प्लान है 798 rupees का, विद GST ये प्लान पड़ेगा आपको 942 rupees का। इसमें आपको मेन सिम में 50 GB देखने में मिल जाएंगे, एंड डाटा रोलओवर 3 times, मतलब आपको 150 GB डाटा रोल ओवर इसमें देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 2 free family SIM देखने को मिल जाएंगे, एंड उन फैमिली सिम में आपको 50 GB डाटा देखने को मिलेगा, कॉल्स अनलिमिटेड एंड SMS 100 SMS पर डे देखने को मिल जाएंगे। ये आपको दोनों फैमिली सिम में अलग अलग देखने को मिलेंगे, मतलब 50 GB एक में और 50 GB एक में, तो डाटा की यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं है। तो टोटल अगर हम बात करें तो आपको इसमें टोटल 150 GB डाटा देखने को मिल रहा है। अब लास्ट फैमिली प्लान की बात करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट फैमिली पोस्टपेड प्लान है इंडिया में इस समय। अब ये प्लान पड़ेगा आपको 999 rupees का, विद GST ये प्लान पड़ेगा आपको 1178 rupees का। इसमें आपको मेन सिम में एंड फैमिली सिम में सब में यहाँ पे 75 GB डाटा देखने के लिए मिल रहा है, एंड इसमें आपको 3 extra free में फैमिली सिम देखने के लिए मिलेंगे, मतलब तीनों में 75 GB डाटा,
एंड जो मेन सिम है उसमें भी आपको 75 GB डाटा एंड सब में आपको 100 SMS पर डे एंड कॉल्स आपको अनलिमिटेड सभी सिम्स में देखने को मिल जाएंगी। तो टोटल यहाँ पे 4 सिम है, चारों में यहाँ पे आपको सेम बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर हम डाटा रोल ओवर की बात करें तो डाटा रोल ओवर इसमें आपको 225 GB यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड टोटल डाटा इस प्लान में आपको 300 GB देखने को मिल रहा है। सो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया प्लान है। बट अगर हम इसे कंपेयर करें एयरटेल या जियो से, वहाँ पर उनके पास OTT ऐप यहाँ पे बेनिफिट होता है, बट प्राइस के हिसाब से ये आपको सस्ता पड़ रहा है। इसमें आपको सारे सिम्स में अच्छा खासा डाटा देखने को मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से आप ये प्लान कंसीडर कर सकते हो अगर आप फैमिली प्लान लेना चाहते हो तो। बट एक बात का ध्यान देना कि आपके एरिया में अच्छे BSNL के सिग्नल आते हो, अगर अच्छे नहीं आते तो आप BSNL को अवॉइड ही करना, क्योंकि अगर सिग्नल नहीं आते हो तो आपको यहाँ पे झेल हो जाएगी, क्योंकि सारे घर में आपके पास BSNL के सिम होने वाले हैं। अगर आपके सिग्नल नहीं आ रहा है तो आपके घर वालों के भी नहीं आएंगे, तो आप हॉटस्पॉट से भी यहाँ पे डाटा शेयर नहीं कर सकते हो। तो इस बात का आप ध्यान देना कि BSNL के आपके एरिया में नेटवर्क अच्छा आते हो। तो गाइस बस यहाँ पे इतना ही था BSNL पोस्टपेड प्लान्स के बारे में। आप बताना वो कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हैं तो आप करवा सकते हो, नहीं लगे हैं तो आप इन्हें इग्नोर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।